एक तरफ जहां इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का युद्ध विराम का प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना अब मिस्र से लगे गाजा के रफा शहर पर हमले की तैयारी कर चुकी है। और नेतन्याहू पहले ही दो टूक कह चुके हैं कि हमास के खात्मे के लिए रफा पर हमला जरूर होगा। लेकिन इस सब के बीच हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने रफा से इजरायली फौज पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और ये हमला कराम अबू सलेम बॉर्डर क्रॉसिंग पर हुआ है। इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल गाजा में इजरायल या मिस्र से मदद भेजने के लिए हो रहा था, लेकिन अल कासिम ब्रिगेड ने इसी क्रॉसिंग बॉर्डर पर आग के गोले बरसा दिए, जिसमें इजरायली सेना के 3 सैनिक मारे गए हैं जबकि 12 सैनिक घायल हुए हैं। आईडीएफ के मारे गए 2 सैनिक शाकेद बटालियन के थे जो गिवाती ब्रिगेड के तहत काम करती है, जबकि तीसरा सैनिक 931 बटालियन का था जो नाहल ब्रिगेड के तहत काम करती है, जबकि घायल हुए 12 सैनिकों में से 2 सैनिक 931 बटालियन और 1 सैनिक शाकेद बटालियन का था जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि करम अबू सलेम क्रॉसिंग पर यह हमला 5 मई 2024 को उस वक्त हुआ जब इजरायली सैनिक क्रॉसिंग के पास अपने सैन्य अड्डे पर इकट्ठा हो रहे थे। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने आईडीएफ के सैन्य बेस पर 114 mm शॉर्ट रेंज का जूम मिसाइल सिस्टम से हमला किया है और आईडीएफ के ये सैनिक रफा पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। इसमें इसराइल के शिनबेट के अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन इजरायली सेना ने जवाबी हमले में उन लॉन्चर्स और उसके पास की बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है जहां पर आईडीएफ के ऊपर से ये रॉकेट दागे गए थे। इस हमले को लेकर राफा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद अगली एयर स्ट्राइक आधी रात होने से बिल्कुल पहले हुई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि दक्षिणी गाजा के राफा इलाके से 10 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए थे जो कराम अबू सलेम क्रॉसिंग के पास इजरायली मिलिट्री बेस पर आ गिरे। ये रॉकेट्स करीम शलोम कम्युनिटी के पास आकर फटे थे और इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स उस जगह पर गिरे थे जहां पर इजरायली सैनिक इकट्ठा थे और ये सैनिक आईडीएफ के मिलिट्री उपकरणों की सुरक्षा में तैनात थे जिन्हें राफा में हमला करने के लिए लाया गया था। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि अल कासिम ब्रिगेड ने जो रॉकेट दागे थे उन्हें इजरायल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्यों इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और यही वजह है कि अब आईडीएफ ने इस पूरे मामले की जांच बैठा दी है। हालांकि हमले के दौरान इलाके में कई हवाई हमले के सायरन जरूर बजे थे। और हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि ये राफा के बिल्कुल पास से दागे गए थे। आईडीएफ के मुताबिक शरणार्थी शिविरों के करीब 350 मीटर की दूरी से ये रॉकेट फायर हुए थे। लेकिन इस सब के बीच इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है, वो ये कि नेतन्याहू राफा में हमास के मजबूत नेटवर्क की जो बात कह रहे थे वो सच साबित हो गई है। इसको लेकर आईडीएफ का कहना है कि राफा में हमास ने संगठित रूप से अपना नेटवर्क फैला रखा है, वो आम नागरिकों को ढाल बनाकर छिपे बैठे हैं और हमास के खात्मे के लिए रफा पर हमला करना बेहद ही जरूरी है।